आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं एंड आई लव दैट, लेकिन एक बात आप गौर से सुन लो, अगर आपने वाकई दीन समझना है ना और अपने बड़े बड़े सवालों का आपको जवाब चाहिए, तो मैं आप सबको एक नसीहत करता हूँ, ये नसीहत दिल पे ले लो। जो भी आपके सवाल हैं ना, वो जमा करके एक दराज में डाल के उस दराज को ताला लगा दो और फिर कुरान खोलो। कुरान को इसलिए नहीं खोलना कि आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, कुरान को इसलिए खोलना कि मेरा रब मुझे सिखा रहा है किस चीज़ के बारे में मुझे सोचना है। वो बता रहा है कि मैं क्या बात, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। मैंने अपनी बोलती बंद करके दराज में डाल दी, अब मेरा रब बोल रहा है, और जब वो बोलता है तो मुझे कोई बात समझ नहीं आती, तो मैं उन सवालों पर फोकस करता हूँ जो मेरा रब मुझे बता रहा है, जो दर्स वो सिखा रहा है वो समझना है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप PhD प्रोग्राम में आपको दाखिला मिल गया और बड़ी मुश्किलों से मिला और बड़ी बड़ी फ़ीसें, आपके वालदैन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करके आपको ये मौका दिया कि आपको आला तालीम हासिल हो सके। आला तालीम हासिल होने के लिए आप क्लासरूम में खड़े होते हो और बैठते हो, प्रोफेसर अंदर आता है, एक एक लम्हा उस क्लास का जिसको एहसास हो ना कि कितनी बड़ी नेमत है कि मुझे इस ये मौका मिला है, तो वो एक एक लफ्ज़ टीचर का गौर से सुनेगा, सवाल पूछेगा, समझने की कोशिश करेगा। लेकिन एक तालिबे इल्म उस क्लास में आता है, कहता है प्रोफेसर आपकी बात बाद में, आप मुझे ये बताएं, मेरा पिज़्ज़ा के बारे में एक सवाल था कि इसका जो चीज़ है वो, यानी उसको इस बात की कोई कदर ही नहीं कि बात कौन कर रहा है आगे से। उसकी बात तो ठीक है, मुझे अपने सवाल पहले आने चाहिए ना। जो ऐसा क्लासरूम में करता है, टीचर क्या करता है उसके साथ बाहर? अब मुझे ये बताओ, हम ये कुरान के साथ नहीं करते? सोचो ज़रा, अंदर घूर के, अपने ज़मीर के अंदर ज़रा गौर से आईने में देख के, क्या हम कुरान के साथ ये करते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला हमसे कुछ बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ज़रा एक सेकंड, हाँ बकरा पढ़ लेंगे, ठीक है, आले इमरान अभी टाइम नहीं है, मेरा सवाल पहले देख लें, मेरा सवाल सामने थोड़ी देर के लिए, जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने अपने आप को अल्लाह ताला के सामने ग़ुलाम बना दिया, अब्द हैं हम अल्लाह के कलाम के सामने भी थोड़ी सी ग़ुलामी दिखा दें, अपने सवालों को ज़रा सरेंडर कर दें और अल्लाह के सामने ज़रा गिर जाएं, उसके कलाम के सामने गिर जाएं, तो मैं आपको एक बात की ज़मानत देता हूँ, अगर आप ये खुले दिल से करोगे ना, मैं और आप अगर ये खुले दिल से करेंगे, एक फिर कुछ दिन बाद आप अपना ये ताला खोलोगे ना उस दराज का, तो आपको वो अंदर से खाली मिलेगी, कुछ नहीं रहा होगा उसमें। क्योंकि जब मैं अपने रब की तरफ आता हूँ ना, जो जो मेरे अंदर सवाल होते हैं वो मेरे पूछे बगैर वो उनका जवाब अपने कलाम में देता चला जाता है, मेरे पूछे बगैर। ये अल्लाह ताला के मौजज़ात में से है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो हमें आकर मिली है। फला उक्सिमु बिमवाक़िअ नुजूम व इन्नहु लक़सम लौ तअलमुन अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। और इसके बारे में नेगोशिएट काफ़ी बिहादिल हदीसी अंतुम मुदहिनून, इस कलाम के बारे में तुम लोग नेगोशिएट कर रहे हो, इसके बारे में कुछ खींचतानी कर रहे हो, इस कलाम के बारे में जो आसमानों से उतरा है, जिसकी अजमत समझने के लिए सितारों की मिसाल दी जा रही है। जो लोग सितारे पढ़ते हैं, आपको पता है कितने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर से गुजर कर उसकी रोशनी की एक धार हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उसकी मिसाल दी जा रही है कि कुरान कहाँ से आया है, कहाँ से पहुँचा है मेरे दिल तक, कहाँ से आकर पहुँचा है। उसकी अजमत को अगर हम एक दफ़ा दोबारा समझ लें ना, तो मेरा पूरा दावा है कि जो जो सवाल है ना आपके, वो ऐसे गायब होंगे आप हैरान रह जाओगे, और जो ईमान आपका अल्लाह ताला पर आएगा ना उसके बाद, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जैसे पहले आप पूछ रहे हो ना, तसव्वुफ़ क्या चीज़ है या रूहानियत क्या चीज़ है, वो असल रूहानियत है खुदा का कलाम अपने दिल तक उतरने देना। फ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, इसी मिशन के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत अभी भी इतनी है जितनी 20-25 साल पहले थी जब मैंने ये काम शुरू किया था, मुझे उसकी अभी भी उतनी ही ज़रूरत है। और मैं इस बात को पूरे एतमाद से कहता हूँ कि यहाँ बैठे हर मुसलमान और दुनिया के हर मुसलमान को इस चीज़ की ज़रूरत है, कुरान की तरफ लौटने की ज़रूरत है, कुरान को दिल पर उतरने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, तो मेरी उम्मीद है कि मैं इस मिशन की तरफ थोड़ी सी खिदमत उर्दू ज़बान में भी कर सकूँ। और आप सब अपनी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करें, मुझे नमाज इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए सिर्फ कि नहीं पढ़ूँगा तो सज़ा मिलेगी, असल में क़ुरान ने नमाज के मकासद, असल मकसद क्या है कि मेरा रब मुझे याद रहे, अकीम सलात अली दिक्री, अपने रब को याद रखना। और फिर कहा है इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों से और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है।
मैंने नमाज की तरफ आना है अपनी हिफाजत के लिए। अगर सारा रिश्ता मेरा नमाज के साथ सिर्फ ये है कि मैं अजाब से बचने के लिए नमाज पे आ रहा हूँ, तो बस वो हाज़िरी देके मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ, चलो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मैं नमाज के लिए की तरफ अपनी सेहत के लिए नहीं आ रहा, अपनी बेहतरी के लिए नहीं आ रहा, अपने दिल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए नहीं आ रहा, बस अजाब से बचने के लिए आ रहा हूँ। ये बहुत ही मिनिमम किस्म का ताल्लुक है नमाज के साथ, और मेरे नज़दीक ये बहुत नेगेटिव किस्म का ताल्लुक है। ये तो इस तरह कहना है कि मैं अपनी अम्मी को जाके सलाम इसलिए कहता हूँ कि नहीं कहूँगा तो वो थप्पड़ मारेंगी। माँ को जाके सलाम इसलिए कहा जाता है कि उससे मुझे उससे मोहब्बत है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जाकर सलाम ना करूँ, उठकर गले ना लगाऊँ। तो जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए ना, तो वो इंसान, इट्स इंग्लिश में वो कहते हैं द लेबर ऑफ लव। तो नमाज सलाह शुड बी अ लेबर ऑफ लव, किसी की मदद करना ये सोच कर कि अगर नहीं करूँगा तो गुनाह होगा, ये भी मेरे नज़दीक एक बहुत कम सोच है। इससे हमें ऊपर बढ़ना होगा। मैं किसी की मदद इसलिए करूँ कि शायद अगर एक दिन मुझे मदद चाहिए हो तो मैं क्या करूँ। और अल्लाह ताला ने ये जो तोहफ़ा मुझे दिया है, ये इंसान मेरे जो सामने है जिसको मदद की ज़रूरत है, ये तोहफ़ा दिया है मुझे एक कि इसके ज़रिए मैं अपने गुनाह माफ़ करवा लूँ। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे अपनी खिदमत करने का एक मौका दिया है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लड़कियों की मदद की मदियन में, जाकर दरख्त के नीचे बैठे और कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। उसके मायने में से एक मायना ये भी है, मेरे रब अभी जो तूने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया, अगर कोई और भी खैर करने का मौका मुझे दे दे तो मैं उसका मोहताज हूँ, उसका फ़कीर हूँ। उनको एक रग़बत है कि मैं कोई और अच्छा काम करूँ। अब आते हैं कुरान की तरफ। मेरे नज़दीक कुरान इस तरह का पढ़ा कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ़ गवाही देगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, वो बातें बाद में हो जाएंगी। पहले आई थिंक वी नीड अ लेबर ऑफ लव। पहले वो हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि कुरान अर्रहमान ने भेजा, अर्रहमान अल्लम अल-कुरान, शदीद मोहब्बत और ख्याल करने वाला अर्रहमान। रहमत के लफ्ज़ से आपको अरबी के जो उसके मानी है वो सामने नहीं आते इतनी आसानी से उर्दू में। रहमत में शदीद मोहब्बत भी है और ख्याल करना भी है। जिस हस्ती को मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत कि किसी और को उससे मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं जितनी उसको है, और जितना वो मेरा ख्याल करता है किसी और को मेरा इतना लिहाज नहीं, इतना ख्याल नहीं जितना उसको है। उसने अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर फैसला किया कि मुझे कुरान सिखाए। अर्रहमान अल्लम अल-कुरान। और कुरान में क्यों पढ़ूँ? इसलिए नहीं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ोगे तो गुनाह होगा या गिल्ट की बुनियाद पर। क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे कल्चर में सारा का सारा इस्लाम गिल्ट की बुनियाद पर खड़ा है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये गुनाह मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो, गिल्ट 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 गिल्ट। और जितना आप गिल्ट करोगे उतनी मोहब्बत कम होती चली जाएगी। तो ये बुनियादी जो ताल्लुक है हमारा कुरान के साथ, वो अर्रहमान के साथ ताल्लुक है, वो मोहब्बत का ताल्लुक है। और वो एक दफ़ा पैदा हो जाए तो फिर तो क्या कहने हैं इंशाल्लाह।